जो कुछ करते हैं अल्लाह करते हैं। ज़मीन का एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हिल सकता। एक पत्ता जब दरख्त से टूटता है वो कितनी सलवटें और कितनी करवटें बदल बदल कर ज़मीन की तह को लगता है अल्लाह को वो भी मालूम है। पहाड़ के अंदर पत्थर है और उस पत्थर के अंदर छोटी सी मखलूक है, अल्लाह ताला उसको भी रिस्क देते हैं। समंदर है, समंदर की गहराइयों में जहाँ पर सूरज की किरणें जाना बंद हो जाती है, उस इन डेप्थ में भी अल्लाह ताला की मखलूक है और अल्लाह ताला उसे देख रहे हैं, उससे वाकिफ है और अल्लाह उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। अल्लाह तो ऐसी ज़ात है भाई। तुम्हारे दिलों में क्या चल रहा है, तुम्हारी सोच में क्या चल रहा है, तुमने आज क्या किया तुम भूल गए, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। अल्लाह को दिल के हालात पता है, तुम्हारे एक एक बात का, तुम्हारे एक एक सोच का, तुम्हारी एक एक ख्यालात का, कन्वर्सेशन का, मोबाइल में लिखे गए मैसेजेस का, लोगों की पोस्टों पे किए गए कमेंट्स का, लोगों से इनबॉक्स में वो मैसेजेस जो तुम लोग अपने भाइयों से, बहनों से, माओं से छुपाते हो, यकीन करो अल्लाह तो वो भी जानता है। वो कॉल्स पे बातें करना जो छत पे जाकर तन्हाई में की जाती है, अल्लाह वो भी जानता है। हम लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है, यकीन करो अल्लाह तो अल्लाह है भाई। तो अल्लाह ही की मर्जी से सब कुछ होगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, रास्ते बताए, हक बताया, शैतान का तारुफ करवाया, जन्नत का तारुफ करवाया, जहन्नम का तारुफ करवाया, इख्तियार हमें दे दिया। क्या किया? इख्तियार हमें दे दिया कि मेरे बंदे तू दुनिया की जिंदगी में दो रास्तों को फेस करेगा, एक रास्ता तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जाएगा, एक रास्ता तुम्हें जन्नत मेरी रजा की तरफ लेके आएगा। तो मेरे बंदे मैं तुम्हें सिर्फ इतना इख्तियार देता हूँ कि तू अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जाए, जहाँ चाहे जाए, बस। अब ये इख्तियार होता है, ये वो फैसला होता है जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर काम को करते हुए करना होता है। नमाज का वक्त है लेकिन मैं यहाँ पर, मुझे टेस्ट भी मिला है, मैंने असाइनमेंट भी लिखनी है। अब डिसाइड तुमने करना है मेरे बंदे, तू असाइनमेंट में ही लगा रहे या नमाज पढ़े। जिना भी है, निकाह भी है, मर्जी तेरी है, तू जिना की तरफ जाता है, निकाह की तरफ जाता है। हाँ, ये जो फैसला करने की जो सलाहियत है ये अल्लाह ताला ने हमें दी है। बाकी मेरे बंदे तेरी चाहत के मुताबिक कुछ भी नहीं होगा। अगर तू ये चाहता है कि मैं सारी उम्र जिंदा रहूँ, नहीं रह सकता, सारी उम्र बीमार ना हूँ, कभी भी नहीं होगा। सारी उम्र तुझे वैसे हालात मिले जैसे कि तू चाहता है, कभी नहीं होगा। बस तूने फैसला करना है, दो रस्तों की रहनुमाई तूने अपनी करनी है कि तूने किस रस्ते पे अपने जिस्म को डालना है। और हाँ, नेक रस्ते में मैं तेरा साथी हूँ, बुरे रास्ते में शैतान तुम्हारा साथी है जो तुम्हारा खुला दुश्मन है।